बॉलीवुड से इस समय बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। आमिर खान की मूवी दंगल में चाइल्ड आर्टिस्ट सोहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया है। क्या है उनकी डेथ का रीजन, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सोहानी की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा। सोहानी भटनागर ने दंगल मूवी में सोनाली फोगाट का रोल प्ले किया था और इस रोल से उन्हें काफी फेम मिला था। सोहानी कई टीवी एड्स में भी काम कर चुकी थी। बीते कुछ दिनों से सोहानी का फरीदाबाद एम्स में इलाज चल रहा था। कुछ समय पहले उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और इसके इलाज के लिए वो जो मेडिसिन ले रही थी उनके कारण उनकी पूरी बॉडी में पानी भर गया था और इसी वजह से उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दंगल मूवी के बाद सोहानी के पास मूवीज की लाइन लग गई थी, लेकिन उन्होंने काम से ब्रेक लेने का फैसला लिया था। सोहानी सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी और कई इंटरव्यूज में सोहानी ये कह चुकी थी कि पढ़ाई के बाद वो फिल्मों में वापसी करेंगी। 25 नवंबर के बाद वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इनएक्टिव थी और खबरों के अनुसार उनका काफी सीरियस फ्रैक्चर हुआ था जिसके चलते उनका काफी टाइम तक इलाज चलता रहा, लेकिन उन्हें दवाइयों के इतने हैवी डोज दे दिए गए कि उनकी पूरी बॉडी में पानी भर गया और वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई। इस समय सोहानी की पूरी फैमिली काफी गहरे दुख में है और इतनी छोटी उम्र में सोहानी ने उन्हें अलविदा कहा है कि उन्हें यकीन भी नहीं हो पा रहा। हम आशा करते हैं कि सोहानी की फैमिली जल्द ही इस दुख से बाहर निकल आए और सोहानी के लिए ढेर सारी प्रेयर्स। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में उनके लिए प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा और सोहानी के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है।